तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेलवे सेक्टर की चार कंपनीज के बारे में, जिनको हमने कल यस्टरडे दैट मीन्स 7th of October को भी यहाँ पर जो है वो इवनिंग में डिस्कस किया था। वो सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे खासे डाउन थे, हमने आपको की लेवल्स बताए थे और किस तरीके का यहाँ पर जो है वो उनका परफॉर्मेंस रह सकता है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। बट आज जैसे ही मार्केट में बाइंग आई, वो चारों के चार स्टॉक्स यहाँ पर जो है वो बहुत ही स्पीडली रिकवर हो गए। एंड ये जो चार कंपनीज़ है वो सारी की सारी रेलवे सेक्टर से ही बिलोंग करने वाली कंपनी है और इनके फंडामेंटल एंड फर्दर फ्यूचर ग्रोथ पर्स्पेक्टिव्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए ये स्टॉक्स को अगर मान लो ये करेक्शन में मिले तो आपको डेफिनेटली फोकस में रखना चाहिए। अब इसमें पहला काउंटर यहाँ पर रहेगा अपना RVNL, लेकिन आगे बढ़े सबको डिस्कस करें उसके पहले स्टिल अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। अब सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो वो होगा यहाँ पर RVNL। RVNL के अंदर अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो हमने आपको क्लियरली एक चीज़ मेंशन करके बताई है कि RVNL के लिए अगर कोई भी बेस्ट बाइंग जोन रहेगा तो वो 425 से लेकर 450 का जोन ही रहेगा। आज का डे लो देख लो 425, एंड वहाँ से काउंटर कहाँ पे क्लोज हुआ है 487-490 के अराउंड, ठीक है। दैट मीन्स गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी, आपको चांस भी मिला खरीदने का और जो हमारे सिलेक्टेड की लेवल्स थे वहाँ से स्टॉक रिकवर भी हो गया। अब RVNL का यहाँ पर जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 500 रुपीज़। अगर 500 को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकलता है तो अगेन ये जो अपसाइड है वो एज इट इज़ कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों अपना सेकेंड स्टॉक था यहाँ पर टिठागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, और टिठागर रेल्स के अंदर कल हमने यहाँ पर क्या देखा था कि काउंटर ने अच्छे खासे 1100 रुपीज़ के सपोर्ट को यहाँ पर जो है वो ब्रेक किया था। हमने कल भी यही डिस्कशन किया था कि अगर मान लो मार्केट पॉजिटिव रहते और अगर टिठागर रेल्स 1000 से लेकर ये 1100 की रेंज में से कहीं से भी अगर रिकवर होता है तो भी यहाँ से जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बाउंस देखने को मिलेगा। अब चलो आज रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है बट स्टिल वॉल्यूम्स थोड़े से कंपैरेटिवली लो है, बट एवरेज अगस्त सितंबर मंथ के जो वॉल्यूम्स है उनके कंपैरेटिवली अच्छे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये स्टॉक इसी तरीके से 1100 के ऊपर सस्टेन करता रहा और अगर आज का डी हाई ब्रेक करके कल परसों में अगर ये स्टॉक ऊपर निकल गया तो यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। फर्दर टारगेट्स 1300 के रेजिस्टेंस के और उसके बाद 1500 तक के रेजिस्टेंस के भी बनते हैं। तो दोस्तों अपना थर्ड स्टॉक था यहाँ पर राइट्स लिमिटेड, और राइट्स के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 1-1.5% के अराउंड की एक अच्छी खासी तेज़ी और एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों हमने RVNL को देखा, टिठागर रेल्स को देखा, बट उन दोनों में जो तेज़ी और जो रिकवरी है उतनी तेज़ी रिकवरी हमें राइट्स के अंदर देखने को नहीं मिली। दैट मीन्स कि आइदर यहाँ पर स्टॉक के अंदर वीकनेस है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, और या तो ये चीज़ हो सकती है कि आइदर ये स्टॉक यहाँ से रिकवर ज़रूर होगा लेकिन अभी फ़िलहाल इसका टाइम नहीं आया, राइट। ये दो चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर मान लो इसके अंदर वीकनेस है तो ये स्टॉक यहाँ से और भी ज़्यादा गिरेगा, और अगर मान लो इसमें अभी रिकवरी का टाइम नहीं आया तो ये स्टॉक यहाँ पर साइडवेज रह के कंसोलिडेट करेगा बट ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। तो राइट्स को भी फोकस पे रखो, 300 के अराउंड एक अच्छा खासा बेट बन रहा है, लेकिन खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना। और दोस्तों अपना फाइनल स्टॉक था यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, और इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर कल जब यहाँ पर हमें 5-6% के अराउंड की सिमिलर गिरावट देखने को मिल रही थी, हमने डिस्कस भी किया था इस स्टॉक को, एंड वी क्लियरली मेंशन्ड कि इरकॉन के लिए जो बेस्ट जोन होगा वो होगा 200 से लेकर 180 रुपीज़ का। अब ये काउंटर 205-6 से ही रिकवर हो गया, इसमें हमारी अब कोई गलती नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाए होंगे बट दैट इज़ टोटली ओके। अब इसके अंदर रिकवरी यहाँ पर जो है वो कैसे प्रूव होती है, देन इरकॉन शुड ब्रेक द डे हाई ऑफ टुडे एंड यस्टरडे। कल का भी जो हाई था और आज का भी जो हाई है 220 का, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकलना चाहिए। अगर निकल गया तो यहाँ से फर्दरली हमें कहीं ना कहीं 240 के ऊपर निकल गया तो 260, एंड उसके बाद आराम से हमें जो है वो 280, 300, 320 के भी शायद से टारगेट देखने को मिल जाए।